हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के परिवेश में जब कोविड-19 कुछ महीनों से हमारे सभी तरह के जैसे पढ़ाइयाँ हैं या फिर नौकरी है, किसी तरह के बिजनेस है, सभी को इसने परेशान कर रखा है। तो इस कोविड-19 में हमारा जो जायका है पढ़ाई का, वो काफ़ी बेकार हो चुका, काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इस दौर में जितने भी टीचर्स वो सोच रहे हैं कि किस टेक्निक को अपनाया जाए कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, वहीं आप छात्र परेशान में हैं, परेशानी में हैं कि कैसे इसे अच्छे से पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार में क्या चीज आने वाला है। इस तरह की परेशानी को लेकर के आप सभी, मैं टीचर्स जितने भी शिक्षक है वो, या फिर आप जितने स्टूडेंट्स हैं वो, सभी जद्दोजहद में है कि आखिर पढ़ाई कैसे किया जाए, किस तरह से अच्छा पढ़ाई का माहौल बन सके। स्कूल वगैरह भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, तो कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे अच्छे मार्क्स आए। तो इस इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने भी सोचा है कि अब कोविड-19 का दौर आ चुका है तो सारे स्कूल्स बंद हैं, तो पढ़ाई उस तरह से हो नहीं पा रही है, आप ऑनलाइन भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से टाइमिंग नहीं मिलने की वजह से किसी के पास मोबाइल भी टाइमिंग से नहीं आ पाता है, तो कैसे मैनेज किया जाए। तो इस परेशानियों को देख करके शिक्षा मंत्रालय ने नया सिलेबस जारी किया है। तो आज मैं आपको क्लास 8 के बुक, ये आपके सामने बुक है डेफोडिल्स, तो इस बुक को में शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि चैप्टर्स को हटाया है, किसे रखा हुआ है, तो इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसमें मैं बताऊंगा कि सेकेंड यूनिट टेस्ट 2020-21 में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो और साथ में सिलेबस में क्या क्या चीज़ों की कटिंग हो चुकी है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, और क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, यानी सिलेबस छोटा हो चुका है और इससे अच्छे से आप पढ़ करके आप ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास ये आपकी बुक है डेफोडिल्स। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 2 1A, यूनिट नंबर 1A, 1A। इसमें चैप्टर का नेम है द नाइन फ्रेंड्स। ये दो बच्चों की कहानी है, आप बखूबी से जानते हैं, आपकी पढ़ाई पहले भी हो चुकी है। इसमें केशव और श्यामा दो छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं। चिड़ियों को देख करके उनके मन में क्या क्या अभिलाषा आती है कि चिड़िया हम अच्छे से अंडे दी है तो अंडों को कैसे सहेज करके रखा जाए। तो बाद में क्या होता है, वो अंडे टूट जाते हैं और काफ़ी केशव गिल्टी फील होता है, उनकी मदर कहती है कि तुमने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक चाइल्ड स्टोरी है और इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े स्तंभ मुंशी प्रेमचंद ने इस स्टोरी को लिखा है। तो ये इस चैप्टर को न्यू सिलेबस में रखा गया है और इसे आपको पढ़ना है। सेकेंड है 1B मदर, 1B मदर। अब यहां पे देखिए, आप यहां मदर देख रहे हैं, लेकिन आप जब उस इस पोयम को जब पलटिए, पोयम है, इस पोयम को पलटेंगे, उस पेज में जाएंगे तो वहां पे माई मदर लिखा हुआ मिलेगा। तो इस पोयम को हमारे इस देश के, इंडिया के मिसाइल मैन, नाम सब समझ रहे होंगे, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बहुत ही अच्छे पोयम को लिखा है। यहां पर उन्होंने माँ की ममता को दर्शाया कि माँ क्या चीज होती है। तो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से बना हुआ यह पोयम है और इसे हमारे देश के अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने लिखा है। तो आप इसे पढ़ना नहीं भूलें क्योंकि ये नए सिलेबस में रखा गया है, 1B मदर। उसके बाद बढ़ते हैं 2A, काली एंड द रेड स्नेक। मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे, सॉरी कॉपी नहीं, किताब लेकर बैठ जाएंगे और पेंसिल से टिक लगाते जाएंगे।
इसलिए पेंसिल से कि फिर स्कूल खुलने के बाद हो सकता है कुछ चैप्टर्स बढ़ जाए, कुछ घट जाए, ऐसे होना नहीं है। इस साल तक यही पढ़ना है, तो फिर भी आप कॉपी लेके किताब लेके बैठ जाए और उसे पेंसिल स्टिक लगा लेके क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद है टू ए काली एंड द रेड स्नेक, लिखिए टिक लगाइए, टू ए काली एंड द रेड स्नेक, इसे लिखा है जाई वाटिकर ने। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। एक लड़का है काली जो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के परिवेश से हटकर क्योंकि वो जंगली इलाके से है, वहां के बच्चे काफी स्मार्ट है, इसे कभी फ्लड भी करते हैं। तो उसके बाद ये इसके जो फादर हैं वो स्नेक कैचर हैं, तो स्नेक को कैसे ये पकड़ता है, फिर कैसे क्लास में इसे सब लाइक करने लगते हैं, सब इसके चाहने वाले हो जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, तो इस 2A को भी पढ़ना है क्योंकि ये भी शामिल किया गया है न्यू सिलेबस के अनुसार, आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2B डैफोडिल्स। डैफोडिल्स बहुत ही अच्छी पोयम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जो अंग्रेजी साहित्य के इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही मजबूत पिलर है, और ये इन्होंने इस पोयम को, इस डैफोडिल्स को लिखा है, तो आप इसे श्योर पढ़ें। इसमें डैफोडिल्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे लाल व्हाइट कलर के पीले कलर के डैफोडिल्स हैं, कैसे वो, यानी यह बिल्कुल ही, चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर लवर इनको कहा जाता है और नेचर से संबंधित बहुत कुछ लिखते हैं, तो नेचर में डैफोडिल्स का क्या महत्व है और डैफोडिल्स जो है कैसे वो लहरा रहे हैं हवा के आने की वजह से, क्या क्या खूबसूरती को दर्शाया गया है, तो इसे आप पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी नए सिलेबस में शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, इसी भी टिक लगाइए, तब तक मैं लिखता हूं। थ्री ए सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल से जो सियाचिन के बारे में बताया गया है कि सियाचिन कितना ठंड वाला जो प्लेस है, और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है और लोग गर्म कपड़े पहनकर निकलना शुरू कर दिए हैं इतने टेम्परेचर में, लेकिन सियाचिन जो है वहां पे जो नापा गया है टेम्परेचर जो लोवेस्ट है वो -45 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, बहुत ही ठंड पड़ती है वहां, और वहां पे जब सैनिकों की तैनाती वहां पे होती, जब पोस्टिंग वहां पे होती है, तो वहां पर दो चीज जो लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है, पहला होता है रम और दूसरा होता है किरोसिन ऑयल, तो ये दो ऐसे चीज होते हैं जो वहां पे जाकर फ्रीज नहीं होते, जमते नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे रीजन भूलते नहीं। बहुत ही आर्टिकल से उसके बाद बताया गया है कि वहां का लाइफ कैसा है, वहां पे जैसे ये सोल्जर्स है वो जाकर के वहां पे कैसे कैसे काम करते हैं, तो उनकी बहादुरी के कारण वहां बताए गए हैं, तो बहुत अच्छी आर्टिकल से सब श्योर पढ़ें, तो इसे भी टिक लगा लें 3A को। उसके बाद है 3B भारत आवर लैंड, 3B भारत आवर लैंड, ये बहुत ही अच्छी पोयम है और इसके पोएट है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, साउथ इंडियन ये पोएट हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, और जब इंडिया हमारा फ्रीडम नहीं हुआ था, वो से आज़ादी नहीं मिली थी, तभी उनका वो जीवन काल था, तो इस अपने जीवन काल में उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में वो सामने भर करके आए थे, और उनकी जो रचनाएं, उनकी जो कविताएं हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो दिल में एक जज्बा उभरता है कि सही, मतलब लगता है कि एकदम आपका जो लहू है, जो ब्लड बिल्कुल हॉट हो जाता है कि कुछ भी अब हो तो हमारा जो कंट्री है दोबारा फिर से गुलाम नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि लेखनी में इतना दम होता है,
तो ये बहुत ही अच्छी ये पोयम है, तो इसे भी आप नोट कर लें, ऐसे टिक लगा लें, ये आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। उसके बाद जो 4A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। एक तो इसे शामिल किया गया है किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, तो ये तो शामिल किया ही गया है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसे पहले आप टिक लगाए, तो मैं लिख के आपको बताता हूँ। 4A, 4A, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरब्यूरी। तो स्टोरी है 4A, और इसमें किंग जॉन और ये जो एबॉट हैं, एक एक साधु, एक मॉन्क होते हैं, जो साधु संन्यासी होते हैं, जो पुजारी टाइप के जो लोग होते हैं, तो इन इस पुजारी का जो कैंटरबरी एक जगह है, तो कैंटरबरी का जो साधु है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस उस स्टेट में होती है। तो किंग जॉन को लगता है कि भाई मैं यहाँ का राजा हूं, और मेरे से ज्यादा इस बंदे का, इस साधु संन्यासी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे कम किया जाए, इसके लिए वो 3 सवाल भी पूछता है, और कहता है कि 3 सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको आप इतने से राजपाट हो ले लिया जाएगा, जो आपके महल ले लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे बिल्कुल पढ़िएगा। तो इस को शामिल किया गया है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और है क्योंकि सेकेंड यूनिट टेस्ट में इस स्टोरी को शामिल किया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो 4A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 4B, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसे आप नोट कर लें, बहुत अच्छी पोएम है। 4B, 4B, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं इस पोएम के, और बहुत ही अच्छे ये लाइंस इसके, जो इस पोएम के जो सबसे जो लास्ट लाइन है, आप देखें कि जो लास्ट जो लाइन है और सेकेंड लास्ट लाइन है, दोनों लाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, और दोनों लाइन के जो मीनिंग है बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मीनिंग लाइन सेम है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। आपको मैं इसकी वीडियो बनाकर दे चुका हूं, आप उसे देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो उसमें दोनों क्या क्या लाइन है जो आपको मैं डिफाइन करके बताया हूं, उसे आप श्योर देखिए। तो ये बहुत ही अच्छे पोएम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सेकेंड यूनिट टेस्ट 2020-21 में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए तो इसे क्या करना होगा? जी हाँ बिल्कुल, इसकी स्टडी बहुत ज्यादा करनी होगी। उसके बाद बढ़ते हैं 5A, द फ्लाइंग मशीन। 5A, द फ्लाइंग मशीन। तो रे डॉगलस ब्रॉडब्यूरी इसके राइटर हैं, और बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाया गया है स्टोरी में कि एक वो चाइना का प्लेस है, वहां पे एक आदमी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फार्मर उसको देखता है, वो जाकर के वहां के राजा को बताता है। तो
तो उसे पसंद नहीं आता है कि भाई ये क्या काम कर रहा है। तो फिर उसके उसको वो बुलाता है और फिर अपने गार्डन में ले जाता है, और फिर उसका वो वहां पे उस जिस वो मशीन से उड़ रहा होता है उस मशीन को वहां पे जला देता है, और इस तरह की कहानी उसमें दी हुई है। और फिर वहां पर जो है जलाने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। अब सोचिए, इन्वेंशन नया होता है तो हम लोग खुश होते हैं, लेकिन वहां पे नया इन्वेंशन खत्म किया गया, तो नए आविष्कार को खत्म किया गया, इसलिए वहां पर राजा खुश होता है। तो क्यों खुश होता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं वीडियो में बना के भेज चुका हूँ, तो आप उसे देखे समझे। इस लाइन को आप टाइप कीजिएगा तो वो दिखाई देगा उस वीडियो में, यूट्यूब में चला आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी इस 5A चैप्टर को भी सेकेंड यूनिट टेस्ट में शामिल किया गया है। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसे मिस ना करें। ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको 4A, 4B और 5A 3 लेसन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जितने सारे क्वेश्चंस आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंटोनियम सिनोनिम्स हैं, मैचिंग वाले जो कॉलम्स होते हैं वो, इस तरह के जितने भी जो तमाम जो चीजें होती हैं इसी से संबंधित, आप देखें कि जो ग्रामर पोर्शन इसमें जो दिया गया है एक्सरसाइज में बनाने के लिए, उसको भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ग्रामर भी वहीं से दिया जा रहा है। तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मैं हिंट्स दे चुका हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप उसे बिल्कुल मतलब टॉप टू बॉटम एक एक लाइन को पढ़ना, शुरू के एक लाइन को पढ़ना, पंप एक लाइन को पढ़ना है, और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना है। इसकी मैं वीडियो बना के भेज चुका हूं, आप उसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं 5B, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो इसे मैं नहीं लिख रहा हूं, लिखने लिखने के पीछे वजह है कि ये इस 5B को द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स ये शामिल नहीं किया, इसे हटा दिया गया है। तो इस साल आप इसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो इसे नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बाकी आपको मैं जो बताया उसकी आप स्टडी करेंगे। उसके बाद 6A, चैंपियन वुमेन। हमारे देश की जो भारतीय महिलाएं हैं स्पोर्ट्स में कितनी आगे हैं, कितनी ख्याति से प्राप्त है, और उन महिलाओं को ओलंपिक्स में भी बहुत सारे खिताब मिले हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल्स है जो कि चैंपियन वुमेन्स के बारे वुमेन के बारे में बताया गया है। तो आप लेकिन ये इतना अच्छा आर्टिकल्स होने के बावजूद भी ये नई शिक्षा नीति के द्वारा नए सिलेबस में अपना स्थान बनाने में काफी पीछे रह गई, तो इसे आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद है 6B, व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। रस्किन बॉन्ड इस पोएम के पोएट हैं। रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे उनका स्थान आता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पे बताया गया है कि सचिन साहब जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो फील्ड में क्या होता है, कैसे उनको देख करके जो व्यूवर्स हैं काफी हल्ला करते, काफी वो एक्साइटमेंट हो जाता, वहां का माहौल हो जाता है। तो बहुत अच्छे पोइम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आने वाला है नहीं, नए सिलेबस में से हटा दिया गया है। उसके बाद है 7A, ए न्यू रिलीजियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इसे टिक लगा लीजिए, मैं यहां लिख लेता हूं 7A, ए न्यू रिलीजियन, ए न्यू रिलीजियन। तो इसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र एस खाम्बेटे। हालांकि इसका जो इसमें डॉक्टर राजेंद्र के बाद जो एस लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने काफी कोशिश किया गूगल, मुझे मिला नहीं, आप भी खोजेंगे मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें नए धर्म के बारे में, अब नया धर्म क्या होता है, इसमें एक लड़की होती है जो जाती है वहां पे, वो एक स्कूल में पढ़ती है, वहां पे उसकी उसका कंपटीशन कुछ बच्चों से होता है, एक लड़की उसके क्लास की जो क्लासमेट होती है उसके लेख को उसके ऐसे कुछ चुरा लेती है, फिर भी ये फर्स्ट आती है, कैसे आ जाती है वो बहुत अच्छी बात समझने वाली है। तो यहाँ पे उसने एक नए रिलीजन को, नया धर्म को बताया गया है। तो इसमें क्या है कि इको फ्रेंडली, आप इस वर्ड को जानते होंगे कि कैसे आप इन्वायरमेंट से दोस्ती करके आप इस पूरे वर्ल्ड को आप बचा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसे बिल्कुल आप पढ़ें।
तो इसे टिक लगा लिया, आने वाला है। तो ये आपको मैं बताया कि 7A एन्यूलिजन तक आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं 7B, हेरिटेज ऑफ ट्रीज। तो ये डेविड हॉसबर्ग तो के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। हालांकि बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है, और इसमें पुराने जो लोग हैं कैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से इस धरती को बचा कर रखे हुए हैं, कैसे उन्होंने नए नए अपने कला के द्वारा इस धरती को अच्छे से निखारा है, बताया है। लेकिन आने वाला है नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद है 8B, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। एट ए लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। भाई गूगल का जमाना है, तो गूगल का इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल है, तो इसीलिए इसको शामिल किया गया है। क्योंकि ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में कितना महत्व है यूट्यूब का, कितना महत्व है गूगल का, तो इसलिए इस चीज को रखा गया है कि आप इसे पढ़ें और इसके इंपॉर्टेंस को समझें। इसीलिए काफी सोच समझ के इसको रखा गया है, तो इसे पढ़ना है। उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर है 8B, बेबी एट अ माइक्रोचिप। तो इनकी ये जो एक ये पोएम है, और इनके पोएट है नील लेविन, लेकिन इसे पढ़ना नहीं है तो इसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं। फिर बढ़ते हैं 9A, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। नोट कीजिएगा, आने वाला है 9A, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। अनिता देसाई इस स्टोरी की स्टोरी राइटर हैं, और बहुत ही अच्छी ये पोएम स्टोरी है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी नए सिलेबस में शामिल किया गया है। उस पर है 9B, इनविक्टस। इसके पोएट हैं विलियम अर्नेस्ट हेनले, लेकिन ये पोएम को यहाँ पर नए शिक्षा नीति के अनुसार में जो पाठ्यक्रम जो वहां पे बनाए गए हैं, तो वहां पे जिन जिन चैप्टर्स को दर्शाया गया है उसमें से कहीं पर भी नाम नहीं है। 9B का नाम कहीं पे, इनविक्टस का नाम कहीं पर नहीं है। तो ये संदेह मन में है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इसे बिल्कुल पढ़ेंगे, हो सकता है चला ही है, हो सकता है नहीं भी आए, तो दोनों मान के चलना है। लेकिन जब वहां पे शो नहीं किया गया है, तो अब उसको उसमें शामिल किया गया है कि उसमें लिखने के लिए वो मतलब वो मिस कर गए हैं, तो इसे आप पढ़ेंगे, नहीं शामिल होने के बावजूद भी शायद इसमें से क्वेश्चन आ ही जाए। उसके बाद है 10A, यंग वॉइसेज ऑफ चेंज। तो इसको भी नए पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, तो न्यू सिलेबस के अनुसार आप इसे इस बार नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद लास्ट है 10B, इफ। रुडयार्ड किपलिंग इस पोएम के पोएट हैं, हालांकि बहुत ही अच्छी कविता है, इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इफ यानी कि अगर अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता वाली बात उसमें बताई गई है। बहुत अच्छी कविता को, अच्छे इसके लाइन्स को दर्शाए गए हैं। तो इसको भी नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसको शामिल होना है कि नहीं होना, उसमें है कि नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं, 9B इनविक्टस और 10B इफ। ये जो दोनों जो पोयम हैं इसको कहीं से चर्चा नहीं की गई है, तो हो सकता है चल रही है, तो इसको आप स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपके जो ये जो थ्री जो चैप्टर्स हैं नोट कर लीजिए, 4A, 4B और 5A। यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड
यूनिट टेस्ट 2020-21 में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है 4A, दूसरा है 4B और तीसरा है 5A। आप इसे देख पा रहे हैं, इसे देखिए, तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ने हैं, और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, 4A, 4B और 5A। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप बिल्कुल अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप इसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन में वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।